आप लोगों ने दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान का नाम तो सुना ही होगा। देशभर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले इस संस्थान को नवंबर 1999 में स्थापित किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान का यहाँ पर जिक्र क्यों किया जा रहा है, तो आपको बता दें कि आज हम जिनकी बायोग्राफी कवर कर रहे हैं वही इस प्रसिद्ध संस्थान दृष्टि द विजन के फाउंडर हैं। आज हम आपको अपने इस लेख में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी के बारे में बताने जा रहे हैं। आईएएस का पद छोड़ अध्यापक की नौकरी करने वाले और देश के तमाम आईएएस पद के उम्मीदवारों की प्रेरणा स्रोत विकास दिव्यकीर्ति जी की एज, आयु, गर्लफ्रेंड, वाइफ, फैमिली आदि के बारे में आज आप विस्तार से जान सकेंगे। दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के संस्थापक और पूर्व आईएएस रह चुके डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का जन्म 26 दिसंबर 1973 में हरियाणा के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके माता पिता दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे। इनका बचपन से ही पढ़ाई की तरफ विशेष रुझान रहा है। इनके माता पिता का नाम इंटरनेट में उपलब्ध नहीं है। इनकी पत्नी का नाम तरुणा वर्मा और इनके बेटे का नाम सात्विक दिव्यकीर्ति है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी के एजुकेशन शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से की थी और आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय इतिहास विषय से बीए ऑनर्स किया, जिसके बाद इन्होंने हिंदी लिटरेचर से एमए, एमफिल और पीएचडी, समाजशास्त्र और जनसंचार से एमए और एलएलबी, हिंदी साहित्य से यूजीसीएनई। इतना ही नहीं, उनकी रुचि अनुवाद कार्यों में भी रही। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति यहीं पर नहीं रुके, आगे की पढ़ाई जारी रखी और भारतीय विद्या भवन से हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी ने अपनी पढ़ाई के बाद पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा को पास कर लिया था। मनोविज्ञान, सिनेमा अध्ययन, दर्शन शास्त्र, सामाजिक मुद्दे, राजनीति विज्ञान जैसे विषय में गहरी रुचि रखने वाले विकास दिव्यकीर्ति मूल रूप से अध्यापक और एक लेखक हैं। विकास दिव्यकीर्ति जी के व्यावसायिक जीवन का सफर दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ, जब उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम किया था। साल 1996 में इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में को पास कर लिया था। इन्होंने एक साल तक गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री में काम किया। गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री में काम कर लेने के बाद विकास जी ने फिर से अध्यापन का काम शुरू किया और साल 1999 में वर्तमान समय में सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले सबसे प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस की स्थापना की। वर्तमान समय में विकास दिव्यकीर्ति जी अध्यापन के कार्य में लगे होने के साथ साथ दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे नाम की मासिक पत्रिका के लिए प्रधान संपादन की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि समसामयिक मुद्दों पर आधारित मासिक पत्रिका है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी जिस समय अपनी पीएचडी कर रहे थे उस समय उन्हें तरुणा वर्मा से प्यार हुआ था, जो कि वर्तमान समय में इनकी धर्मपत्नी है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी ने साल 1998 में तरुणा वर्मा से विवाह किया और इसके एक साल बाद दोनों ने मिलकर साल 1999 में दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान की स्थापना की थी। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति द्वारा स्थापित दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान देश में तमाम छात्रों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या अंग्रेजी माध्यम से, सभी के लिए किसी उम्मीद से कम नहीं। इस संस्थान द्वारा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, स्टेट सिविल सेवा परीक्षा, यूजीसी नेट, सीयूईटी, यूजी, सीयूईटी, पीजी आदि की तैयारी कराई जाती है। साल 2017 में दृष्टि आईएएस का यूट्यूब चैनल बनाया गया। दृष्टि संस्थान जो कि छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए कई को विकास जी की कुल संपत्ति की बात की जाए तो ये करोड़ों में है। इनकी कुल संपत्ति लगभग 4 से 5 करोड़ सालाना है। अगर इनके महीने की वेतन की बात की जाए तो ये लगभग 5 लाख रुपए है।